फिर से जमीदोज हो गया है पुल। अररिया और सिवान के बाद मोतिहारी में पुल ढलाई के दौरान ही ध्वस्त हो गया। पुल भरभराकर गिर पड़ा और चकनाचूर हो गया। बताया जा रहा है कि इस पुल का निर्माण 1 करोड़ खर्च कर किया जा रहा था, लेकिन जनता इसका इस्तेमाल कर पाती उससे पहले ही पुल जमीन पर आ गया। ये रिपोर्ट देखिए। डेढ़ करोड़ का पुल 1.5 मिनट में धड़ा। बारह करोड़ का पुल 12 सेकंड में धड़ा। सिवान में धराशायी करप्शन का पुल, महज 1 सप्ताह, 1 ही राज्य, 1 ही विभाग और भ्रष्टाचार के 3 पुल बैक टू बैक डूब गए। बिहार में पुल ऐसे गिर रहे हैं जैसे बच्चों की बनाई कोई रेत की इमारत। पुल गिर रहे हैं और सियासत हो रही है फुल। जवाब देने वाला कोई नहीं, कोई ये बताने वाला नहीं कि पुल इंजीनियर्स ने क्या बनाया था या फिर बच्चों ने खेल खेल में कंक्रीट बिछाई थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 1 हफ्ते के अंदर 3रा पुल ढह गया है। इस बार ये घटना मोतिहारी में हुई है। और सबसे खास बात यह है कि अररिया और सिवान के बाद मोतिहारी में भी पुल टूट गया है। पुल टूटने का सिलसिला लगातार जारी है। वैसी स्थिति में जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पे जरूर है, लेकिन ये बताइए कि कब पुल टूटा है, कोई जानकारी आपको है? 12:30 में। क्या कैसे टूट गया वो? एक में भस गया। कैसे? आप लोग कल ही ढलाई हुआ था इसका? हाँ। क्या गड़बड़ी हुआ था कि गिर गया? वो पाया अपने मन धस गया। जिला प्रशासन ने जरूर इसको लेकर जो है संज्ञान जरूर लिया है और हमें लगता है कि तमाम स्थानीय लोग जो है वो नाराजगी जरूर व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि लगातार पुल टूटने का सिलसिला जारी है। इससे पहले अररिया और सिवान में भी पुल गिर चुके हैं। मोतिहारी में बन रहे इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 2 करोड़ रुपए थी। जानकारी के अनुसार इस बार पुल गिरने की घटना पूर्वी चंपारण के मोतिहार के घोड़ा सहन इलाके में हुई है। पुल की ढलाई का काम किया जा चुका था। इस पुल की लंबाई करीब 50 फीट थी और 2 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पुल देखते ही देखते धड़ाम हो गया। बजे गिर गया पहले के बाद इसमें इंजीनियर का लापरवाही है। इंजीनियर का लापरवाही? इंजीनियर जो नीचा से अपना सपोर्ट नहीं देखे, चेक नहीं किए, वजन का उसको अनुमान नहीं लगा, ये माल डलाया उसके बाद गिर गया। रात को पुल ढला रहा था, 10-12 बजे तक काम हुआ है। ठीक है, मुंशी जी बोल रहे हैं कि 9:30 बजे काम बंद हो गया। वहाँ पे देखिए पेपर लगा हुआ है, 1.5 करोड़ के लागत से पुल बन रहा है। बताइए आज गिर गया है, कल कोई गाड़ी जाता गिर जाता इसके अंदर, कोई मर जाता इसमें, उसका जवाब देही कौन होता? वही शनिवार को भी बिहार के सिवान में पुल गिरने की घटना हुई थी। यहाँ महाराजगंज दरोंदा विधानसभा के बॉर्डर को जोड़ने वाला पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। लोगों का कहना है कि बिना बारिश के पुल इस तरह कमजोर होकर गिर गया, ये हैरान करने वाली बात है। इस बार न आंधी आई और न ही बारिश हुई, फिर भी महाराजगंज क्षेत्र में पठेड़ी गरोली को जोड़ने वाला नहर पर बना पुल धड़ाम हो गया। इससे पहले बीते मंगलवार को अररिया में करीब 180 मीटर लंबा पुल ढह गया था। अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर ये पुल बनाया गया था। अभी पुल का उद्घाटन भी नहीं किया गया था और उद्घाटन से पहले ही 12 करोड़ की लागत से बना पुल धड़ाम हो गया। पुल के 3 पिलर नदी में धस गए और बताया जा रहा है कि जमीन पर ही पिलर गाड़कर इसको बनाया गया था। यहाँ अप्रोच रोड भी नहीं बनी थी। बीते दिनों का जिक्र करें तो बिहार में बार बार पुल गिरने की घटना आम बात हो गई है, लेकिन ऐसी घटनाओं से सरकार और निर्माण कंपनियों पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। समस्तीपुर जिले की विभूतिपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में देर रात पबड़ा से बारात लड़की के दरवाजे पर पहुंचते ही दुल्हन बहाने बनाकर घर से निकल और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। ग्रामीणों ने सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के ख्याल से लापता दुल्हन की छोटी बहन से दूल्हे की शादी करा दी। परिजनों ने बारात सहित दूल्हा दुल्हन को विदा किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस लापता दुल्हन से पूछताछ कर रही है।
जी का कल शादी था, शादी कल था और 11:00 में यहाँ से निकल गई। और लड़का मनीष कुमार पासवान है, लड़का के पिताजी का नाम है राजकुमार पासवान। और मनीष कुमार पासवान उसको फुसला पुनः के लेके फरार हो गया। और कल उसी का शादी था लड़की को, कल उसका शादी नहीं हो पाया। लास्ट में हम लोग समाज सब मिलकर उसी लड़की की बहन छोटी बहन के साथ, उसी लड़की को छोटी बहन के साथ हम लोग शादी करवाए सब समाज सब मिलकर। नवादा से बड़ी खबर है, जहां गैस टैंकर और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें गैस टैंकर के ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद नाराज लोगों ने जोरदार बवाल काटा। स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास के कई गांव समेत दूर दूर तक आवाज सुनाई दी। इस टक्कर के बाद दोनों ट्रक आपस में चिपक गए। टैंकर चालक का शव काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। कई घंटे तक यातायात व्यवस्था बाधित रही। हल्दिया से लौट था गाड़ी मोकामा के लिए, और मोकामा के लिए जा रहे थे। जब तक गाड़ी आया, कोई ट्रक वाला इनको ब्राउन साइड में जाके मार दिया। अच्छा। और ये चपेट आ गए गाड़ी में। प्रशासन पहुंचा, प्रशासन हेल्प किया, निकाला, तब तक ये एक्सपायर हो गया। पूर्णिया में दलालों के चक्कर में एक मरीज की मौत हो गई। दरअसल एक महिला मरीज को दलालों ने निजी क्लिनिक में भर्ती करवा दिया, लेकिन वहां डॉक्टर ने मरीज का सही से इलाज नहीं किया, जिसके बाद मरीज की मौत हो गई। स्थानीय सांसद ने दलालों के इस धंधे पर सवाल उठाए हैं और स्वास्थ्य विभाग को चिट्ठी लिखी है। दलाल है डॉक्टर के दिल पे यो ने जमा लिए डॉक्टर के नाम कौन डॉक्टर के तेल प्रकाश कुमार का 11:00 निकाल के ये देखो 3:00 में मेडिकल माफिया का एक गिरोह सक्रिय जो किसी भी क्लिनिक पर अप्रिय घटना तोड़फोड़ करता है। इस पर मेरी नजर पैनी दृष्टि है, सरकार इस पर नजर रखे। डॉक्टर की संस्था आई में पूर्णिया शाखा के द्वारा बार बार सालों से इस पर आवाज उठाया जा रहा है। अध्यक्ष ने कहा अंकुश लगाने में विफल रहे, हंगामा में ज्यादातर होती रही, बदनामी जो सही चिकित्सक है उसकी बदनामी होती रही। बाढ़ के मोकामा में फायरिंग से दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों में के आक्रोश का सामना करना पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने NH-80 को घंटों जाम रखा। करीब 4 घंटे तक ग्रामीण हंगामा करते रहे। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। पुलिस का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने हंगामा किया। गोली चला यहाँ पर राजेश नगर गांव में। कैसा, कब चला, कौन लोग थे? यही मिट्टी कटा रहे वही लोग थे। लगातार 2 गोली चलाया और बाइक से भाग। क्यों चलाया गोली बिना मतलब का? आगे मालपुर गांव में टेलर पलट गया, उसी कारण वहां पर गोली नहीं चलाया, यहां आकर के चलाया। यहां 10-12 गो असामाजिक तत्व है। इन लोगों को कहना है कि कोई गोली फायरिंग किया है, लेकिन ये नाम पता भी लिख के आवेदन देने के लिए तैयार नहीं है कि कौन मारा है, क्या किया है, और सिर्फ कह रहा है कि नहीं उसको पकड़ के लाइए। नाम भी आवेदन देना भी नहीं चाह रहा है। गोपालगंज में संस्कृत और अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। नौकरी दिलाने के नाम पर 30 लोगों को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर 52 लाख की ठगी करने वाले 3 जालसाज को पुलिस ने पटना से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद तीनों जालसाज को थावे थाना लाया गया और पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया गया है।